अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू हफ्सा सईद व्लॉगिंग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मेरा व्लॉग शुरू हो गया है नाश्ते से। तो जी देखें कि मैं नाश्ते में आज क्या बना रही हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने बनाया है ऑमलेट, और ये ऑमलेट बिल्कुल डन हो गया है। और इसके साथ मैंने बनाना है पराठा, और पराठा मैं फ्रोज़न बनाऊँगी, तो वो मैंने निकाल के रख लिया है। अब मैं जल्दी से इसको पैन के ऊपर डालती हूँ और फिर मेरा नाश्ता हो जाएगा तैयार। और उसके बाद मैं आपको अपने नाश्ते की जो है ना वो फुल मेन्यू दिखाती हूँ। Much, much, much later. तो जी अभी शाम का टाइम है और ये मेरा चाय का टाइम होता है, तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और उसके बाद मैंने बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनानी है, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। One hour later. अच्छा जी, तो मैं बना रही हूँ खाउसे, और उसके लिए जो है वो मैंने चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। स्पेगेटीज बॉयल हो रही हैं, और ये कड़ी मैंने खाली बनाई है, ये भी बन गई है। और इस इधर जो हूँ ना, वो मैंने चिकन का जो है वो मसाला बनाना है, उसके लिए मैंने प्याज काट के रख लिए हैं। अब मैं इसकी जो है ना वो मसाला बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज के अंदर ऑयल डाला है, और इसको अच्छी तरह सौते कर लेती हूँ, और फिर इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस और चिकन ऐड करूँगी, और इसका अच्छा सा मसाला बना लूँगी। अभी ये प्याज हो गया है ब्राउन, और अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद चिकन एंड स्पाइसेस और सब चीज़ें जाएंगी। ओके जी, चिकन इज़ डन, ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब बनाते हैं बाकी की इसकी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने बनने रख दिए हैं फ्राइज़, ये फ्राई हो जाएंगे, और फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या बनाया है। तो जी एवरीथिंग इज़ रेडी, चिकन मसाला, ब्राउन प्याज, और ये फ्राइज़ और पापड़ी साथ में, और इसमें मैं डालूंगी कड़ी, इसमें डालूंगी बॉयल्ड स्पेगेटीज़, और दिस इज़ द होल स्प्रेड। और अब बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी और डिलीशियस सी खाउसे की प्लेट।
तो जी ये है मेरी मज़ेदार सी प्लेट। अब मैं करती हूँ अपना डिनर और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये है मेरा आज का नाश्ता, ब्रेड एंड साथ में कीमा। तो नाश्ता मैंने कर लिया है और अब ये मैं खाऊंगी चाय के साथ, बिकॉज चाय तो मैं कभी भी जो है ना वो सादी नहीं पीती। Much later. तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये बनी है चाय और साथ में मैंने बनाए हैं मायो एंड एग सैंडविचेस। इतने लाइट होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। तो ये है मेरी आज की चाय। 1 hour later. और अभी काफ़ी देर बाद डिनर का टाइम हो गया है और डिनर में हमारे पास है अंडा दाल विद चपाती। तो ये थी मेरी 2 दिन की कंसेक्यूटिव रूटीन। होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड लव इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।